हमारी किसी चीज
चीज की वजह से पीछे वाले को तकलीफ होती है तो उसके भी हम ही जिम्मेदार हैं। अगर आदमी ऊंचा है, उन्हें सामने बैठा है, उसके सर की वजह से पीछे वाले आदमी को तकलीफ पहुंचती है तो उसका उन्हें जिम्मेदार नहीं कि कदों उन्हें सर का आपको तो नहीं रख सकता। हर जगह वालों में यही हाल है। ऐसा इंतजाम ही नहीं होता कि कोई एक पकड़ ले और बाद में लोग शेयर कर ले। अचानक में बात इसलिए मुझे याद आई कि यहां जो ट्रॉफीज रखे हुए हैं, पीछे वालों ने कहा कि जरा इससे दूसरी जगह रखे, मौलाना का चेहरा नजर नहीं आता। उसको वो बात याद आ गई। यानी तो सही में होना और अदाबी ही नहीं, परेशानी क्या बोल करी मौलाना बोलकर, क्योंकि सामने की खयामत उनको क्या मालूम है। आइंदा आप तमाम लोग जो है मोबाइल वाले को इस बात का ध्यान रखिए। इस्लाम है तो ये दूसरा मजहब नहीं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसे हम गुनाह नहीं समझते लेकिन वो आईने गुनाह होते हैं। गलती नहीं समझते लेकिन वो गलती होती है। जुल्म नहीं समझते वो जुल्म होता है। अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में इसमें हिसाब होगा, सवाल होगा। ये कल उनवान है इंशाअल्लाह ताला, फिर कभी हजरात उलमा आपके सामने तफसील के साथ बयान करेंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आज इस उनवान के तहत हम लोग सब जमा होकर बैठे हैं, ये अहम उनवान है। पहले नियत करो, इरादा करो, वादा करो, जो कुछ सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर जरूर अमल करेंगे। ये ओरिजिनल इंशाल्लाह की डुप्लीकेट इंशाल्लाह है। मुजद्दिद मिल्लत हजरत शाह सफरी थाम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खुलूस के साथ अगर इंशाल्लाह कहोगे तो अल्लाह की मदद नाजिल होगी। पहले से इरादा होता नहीं करना मंदिर, वादा लेते हैं तो जरूर इंशाल्लाह बोलते। मेरे अब्बा जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तीन चीजों की मुसलमानों को आदत पड़ गई, एक इंशाल्लाह बोलने की, दूसरा हाथ उठाने की, तीसरा नारे लगाने की। ऐन मसलत होता उसके सामने करने को पहले बोलो नारे, तब भी सूझता नहीं समझता नहीं, नींद में अल्लाह ऊपर बोलता। नारे मारने का मौका भी होता है, नारे मारने का वक्त भी होता है, नारे मारने वाले के अंदर कुछ शराइ भी होते हैं, तब जाकर नारों का असर दूसरों पर पड़ता है। दीवाना उठे मजीद कूटिया, मैं हमेशा तकरीबन हर जगह बात आती है तो अर्ज करता हूं, मौलाना की खिदमत में भी ये लतीफा पेश करता हूं कि बिहार में बच्चे का नाम इस्लाम था करते। क्या नाम? इस्लाम। बिहार में बड़े अजीब बड़ी बच्चे अच्छे नाम रखते। बाबा के साथ ट्रेन में जाने का था, एक स्टेशन में ट्रेन रुकी, बाबा बेटे को बोला इस्लाम को जावा करते भी खाने पीने की चीजा लेकर आ। बच्चा ट्रेन से उतर को दुकान को जाकर ले को था,
ट्रेन नहीं हुई। अब दरिद्र से बाबा बच्चे को पुकारा, इस्लाम पूरा टप्पा जिंदाबाद का है। भूल गए कैसे पे का नाम पुकारा। इनसे उछना रखा हो। अब तो हम लोगों को बोलने की आदत पड़ गई और आप लोगों को सुनने की आदत पड़ गई। अमल नजर नहीं आता। कम से कम 50% भी अगर हमारे अंदर अमल होता आज आलम में मुसलमानों का यह हाल ना होता। मुद्दे से तालिब मुद्दे से तालिब इनको बोलने की आदत पड़ गई। बोलने के वास्ते बैठा मैं 4 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह बोल सकता हूं और आप लोग 8 घंटे सुन सकते हैं। सुन सकते कि नहीं सुन सकते। मैं 4 तो मैं हाथ नहीं अमल करूंगा। तेरे आमाल से तेरा इतिहास पर बात आ गई। अल्लाह ताला ने जो बातें अता की मैंने वो रखा।
उसे दोहराना चाहता हूं, इंशाल्लाह हजरत उमर की दुआ मुझे मिलेगी। इमाम अबू हनीफा का इज्तिहाद ना होता तो फिर तकरीबन 90% मुसलमान नमाजों से खाली अल्लाह से मुलाकात करते। मेरी उर्दू तो समझ रहा तुम्हें, नहीं तो भाई फांसी ले लेता। बिल्कुल उतर गए उर्दू बहुत कुछ तुम्हें। कोलार में तो मुझे खास ताल्लुक है कसम अल्लाह की, इसलिए कि मेरे वालिद ही का रिश्ता कोलार से नहीं, मेरे दादा का भी रिश्ता कोलार से था। रिश्ता कहकर कभी ससुराल का समझ लो तो वालिद का रिश्ता में तो समझ नहीं खबर, तो मेरे दादी का दरिया क्या रिश्ता का तो ताल्लुक।
एक दूसरे आपस में बात करें, तेरे पास है क्या, तेरे पास है क्या, बोलकर पूछे। बाद में लाखों एक नौजवान फोटो दिखाया उसकी, ये मुंह मसूर की दाल, उसे तमिल में बोलते इन्द मूंजी की तरजा उनकी मज्जा, एक एक कल्ला अपना इतना अंदर गया है, पाव पाव किलो अंबुजा सुनी डाला। दरवाजा बंद कर ले को, मैं उस गेट में खड़ जाता हूं। अरे तुम्हें मेरे भाई ना तेरे को कभी नहीं, मैं तुम्हारा भाई की नहीं की
मौली साहब नहीं बाबा अपनी जगह पर रखो, मुकर्रर नहीं अपनी जगह पर रखो, गाइस नहीं अपनी जगह पर रखो, खुलकर बात करना रखो, ताल्लुक मजबूत होना। समझ में आई बात है भाई? तुम्हारा भाई की नहीं, किस किस का भाई हाथ उठाओ, माशाल्लाह पूरे जगह तेरा पट्टी में हिस्सा देना। भाई बनाने का मतलब पट्टी में हिस्सा नहीं है, तुम्हें बोले तो भी मैं तुम्हारा भाई, तुम्हें नहीं बोले तो भी तुम्हें मेरे भाई थे। ये रिश्ता कुरान ने बयान किया, इन्नमल मुमिनूना इख्वतुम, बस बेटा ना करो, इन्नमल मुमिनूना इख्वतुम फअस्लिहू बैन अख़वैकुम, मोमिनीन आपस में भाई भाई है। अब तुम्हें मेरे भाई नहीं तुम्हारा भाई कह दो, तुम्हारा हक मेरे ऊपर, मेरा हक तुम्हारे ऊपर है कि नहीं, इसके ऊपर दरवाजा बंद कर ले, वो मैं गेट के पास खड़े जा, वो उसे बाहर छोड़ो जिसे सुरक्षा के हाथ सुनाता है, तो फिर मेरे बाल दोस्तों दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, नहीं नहीं होगा। क्या किया धूप से उठा टाइम की फैल है क्या? नहीं है। और है बोले तो भी जा नहीं, अभी साढ़े छह हो गई देखो। अभी साढ़े छह हो गई भाई, मस्जिद की घड़ी है किसे सुन रहा है? और मस्जिद के वक्त में बहुत बरकत है, चाहे सूरज गुरुब होकर रात भी गुजर जाए, कसम अल्लाह की घड़ी क्यों बदलेगी? अगर बंदे बोले 9 बजे तक तुम्हें बयान कर सकते ही हजरत बोलकर मैं आराम से इस घड़ी की तारीफ करते हुए 9 बजे तक बयान कर सकता हूं। बुलना ऐसे तुम्हारा जैसा जैसे होता कहने वाले को अल्लाह भगवान में से देते हैं। बोलने का जबरदस्त मलका और इल्म की गहराई अदा किया है, बड़े फख्र के साथ बाजू बात करने से वक्त सुना रहा हूं आपको। बोलने सुनने वाले का जज्बा जैसे बनता है, बोलने वाले का जहन से खुलता है। आज जज्बा तुम्हारा बड़ा जबरदस्त है माशा अल्लाह, तो इसलिए मुझे कुछ वक्त दे दो। दरवाजे में करके अगर मैं किसी को बाहर भेजने के लिए शर्त लगा दो कि सूरत पाक के हाथ पड़े तो कितने लोग बाहर निकलेंगे? इजाजत के साथ 2-4 बाहर निकलेंगे, बचत पूरे दरवाजे तोड़ कर बाहर निकलेंगे। घटना होती गोरा में, घटना होती नहीं होती, होती उस पर भी बिल आए तो बिल कर दो, कुछ बिल आप अंकल हुकूमत अपने पर भी पाबंदी की बिल लगा रही है, जैसे वो पर यार हमारे बच्चे भी हमें कहते तो तुमने भी बिल लगा दिया।
सुभान अल्लाह, हमारा दीन क्या क्या सिखाता है। मोहम्मद मुस्तफा वाले निराली शान रखते हैं। सुभान अल्लाह नहीं बोले सुभान अल्लाह, कहीं इधर उधर गया, अब भी नहीं बोले तो कहीं इधर ही चल जाऊं। मोहम्मद मुस्तफा वाले निराली शान रखते हैं। जोर से नहीं बोले 12 बजे तक बैठ जाऊं। मोहम्मद मुस्तफा वाले निराली शान रखते हैं। ये दिल से बोले नहीं, दिल को बोले सुनते हैं। उस जमाने में एक ऊंट का मालिक होता था। इस जमाने में
तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास तकरीबन तकरीबन 200 लारियां थे। इतनी दौलत नजर पड़ी तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। किसके? काबे के मुतवल्ली के। पकड़ लो, कम से कम आ रही है वो हमारे पास। अब्दुल मुत्तलिब को पता चला कि मेरे खून घूम गए, तलाश कर रहे इधर उधर उधर उधर। किसी ने पूछा, अब्दुल मुत्तलिब क्या तलाश कर रहे? हैरान, सस्ते, परेशान। अगर ये परेशानी काबे के लिए है तो काबे के पास जाओ, यहां क्या फिर रहे आप? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ये जो मेरी परेशानी है ना, मेरे ऊंटों की है। किसकी? मेरे ऊंटों की है। अरे तुम तो काबे के मुतवल्ली। अरे छोड़ो, क्या बोलू, ऊंट मेरे हैं, हिफाजत मुझे करना है। काबा खुदा का है, हिफाजत खुदा करेगा। ऊंट मेरे हैं। अब्दुल मुत्तलिब के अंदर जो तवक्कुल आया ना, ये दरअसल मेरे नबी की निस्बत का सदका था। मैं हमेशा कहता हूं, हर बच्चे पर खानदान का असर पड़ता है। हर बच्चे पर बोले सबसे खानदान का असर पड़ता है। दादा का असर पोते पर, बाबा का असर बेटे पर, परदादा का असर पर पोते पर पड़ता है। लेकिन मेरे नबी का खानदान ही निराला था। खानदान का असर नबी पर नहीं पड़ा, नबी का असर खानदान पर पड़ा। हर बच्चे पर खानदान का असर पड़ता है, लेकिन मेरे नबी का खानदान का मसला अलग था। नबी के खानदान का असर नबी पर नहीं पड़ा, नबी के खानदान की सदाकत नबी को नहीं आई, खानदान की अमानत नबी को नहीं आई, खानदान की हया नबी को नहीं आई, खानदान की शर्म नबी को नहीं आई, खानदान की तौहीद नबी को नहीं आई, बल्कि नबी की सदाकत का असर खानदान सदरे पर पड़ा, नबी की अमानत का असर खानदान और सदरे पर पड़ा, नबी की हया का असर खानदान और सदरे पर पड़ा, नबी के ईमान का असर खानदान और सदरे पर पड़ा, नबी की तौहीद का असर खानदान और सदरे पर पड़ा। अब्दुल मुत्तलिब ये जवाब दे रहे हैं कि तवक्कुल से लबरेज है, आरास्ता है वो रास्ता है। ये कमाल अब्दुल मुत्तलिब का नहीं था, इज्जत रसूल थी। इज्जत रसूल, इज्जत रसूल। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ऊंट मेरे हैं, हिफाजत मुझे करना है। ऊंट मेरे हैं, हिफाजत मुझे करना है। काबा किसका है? जोर से बोलो, अल्लाह का काबा है। हिफाजत कौन करेंगे? अल्लाह करेंगे। मस्जिदों की हिफाजत इंशाअल्लाह अल्लाह करेंगे। काम हमको करना है। मदरसों की हिफाजत कौन करेंगे? अल्लाह करेंगे। और अल्लाह की अजीब आदत और मोहब्बत है, मौलाना का उलमा का दामन थाम कर कहता हूं, जरा तवज्जो के साथ सुनो, ज्यादा लंबा वक्त नहीं है, मैं बोलने की मशीन होगा। करीब एक जगह गया तो बोल रही मुझे, मौलाना 4 घंटे से कम बयान नहीं करना। ये बोले काम करो, मेरे पास चिप है, वो चिप में 2-3 बयाना जोड़ को डाल डालो, मैं यहां सोने को रखूंगा। अमल की नियत से सुनो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बहुत फायदा करे। मसाजिद किसके? अल्लाह के। मदारिस किसके? अल्लाह के। लेकिन उर्फ़े आम में कहते हैं रसूलुल्लाह के। इसीलिए मस्जिद को अगर कोई आता है तो उसे बोलते हैं अल्लाह का मेहमान। क्या बोलते हैं उसे? मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, इनको मेहमानाने रसूल कहते हैं। ये जो बच्चे हैं ना, छोटी छोटी जमात के छोटे छोटे बच्चे, कितने प्यारे प्यारे, वो पगड़िया, वो जूते, वो टोपिया, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने प्यारे। कसम अल्लाह की,
चढ़ाना मतलब नहीं है। कितने प्यारे हिंदू, इस उम्र में अगर इनकी इमामत जायज होती रब्बे काबा की कसम, इस उम्र में भी ये हमारे इमाम होते। इमामत के लिए बाले होना 15 साल का होना सब रहेगा, वरना ये हाफिजी में कुरान के हाफिजी में इनको क्या कहते हैं मालूम, तालाबा। क्या बोलते हैं? तालाबा। तफी से बोले तो तालाबा, मुंह में हवा भर लेना तफी। कुरान पढ़ने का भी एक रूल्स है, रेगुलेशन है, कानून है, जाब्ता है। क्या हजरत खरीद साहब बोले हजरत इमामत करना क्या भी मुश्किल नहीं, लाखों में मालूम होगा मुझे। ये चाहिए मुंह बंद करे तो अच्छा, मुंह खोले तो हक नहीं। इसीलिए हुक्मा ने लिखा है जाहिल का मुंह बंद करना अच्छा है, आलिम का मुंह खोलना अच्छा है। जो आलिम मुंह बंद करता है कितने पैदा हो जाएंगे, जो जाहिल मुंह खोलता है कितने पैदा हो गए। मुंह बंद करना करना मेरे सामने मुंह बंद करना काफी मुश्किल नहीं है, लॉकडाउन में मालूम हुआ मुझे। ऐसा अंदाज इख्तियार करें कि इमामों का मकाम गिर रहा है, मैं छोड़ता नहीं ऐसे लोगों को। ऐसा हो जिस 3 साल हमारे अपार्टमेंट में मैं इमामत कर रहा हजरत के तरावी भी पढ़ा रहा हजरत भी कर रहा हूँ। मतलब किसी भी बोलो उनको मस्जिद के सुबह आ रहा हूँ, हमारी कलों का कच्चन तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। 3 साल ईद की नमाज भी पढ़ाया हजरत नहीं कर। बाद में बोले सर कैसा पढ़ा है, बोलो हजी सर पढ़ाया हजरत तुमने का कैसा पढ़ा, तुम तो रिसर्च पढ़ा सर, बोलो हजी सर कैसा पढ़ा। अब वो बोलना शुरू करे हजरत तकबीर मांगता था, सना आहिस्ता पढ़ता था, ये बोला जोर से पढ़ते वहां चटक जाते। अब बोला ना नकले कुफर कुफर नमाज फातिहा खत्म करके इनके फतवा दिया, 3 साल की तुम्हारी नमाज है तुम्हें भी दोहराना, तुम्हारे पीछे कौन पड़े उन्हें भी दोहराना। क्योंकि कुरान गलत पढ़े तो नमाज अदा नहीं, लहने खफी से नमाज मकरू, लहने चली से नमाज फासी। कुरान सही पढ़ोगे तो तब जाकर सवाब, कुरान सही पढ़ोगे तब खुदा राजी, कुरान सही पढ़ोगे कुरान खुद दुआ करता है। पढ़ने में बैठी हुई मेरी माए तुम्हारी आदत पड़ गई है आपा मां के पास पढ़ने की, नानिया के पास पढ़ने की, खाला के पास पढ़ने की। अगर वो नानी वो दादी वो खाला किसी मुस्तनद मदरसे की आदिमा वो फाजिला वो हाफिजा है तो सही है, वरना तुमको किसी मुस्तनद आलिम के पास बाप पर्दा कुरान पढ़ना है। अब अल्हम्दुलिल्लाह उलमा के घरों में आलिमात है, उनकी बच्चियां हाफिजात है, कुरान सही पढ़ो कुरान। फरमाते हैं बहुत सारे लोग वो हैं जो कुरान पढ़ेंगे कुरान उनको बद्दुआ देगा, ऐ अल्लाह इन्होंने मुझे जैसे बिगाड़ा तो इनके मुकद्दर को बिगाड़ दे। सही पढ़े तो सवाब, सही पढ़े तो अल्लाह कुछ, सही पढ़े तो अल्लाह के रसूल कुछ, सही पढ़े तो कुरान खुद कुछ। कुरान दुआ देता है दुनिया में भी फायदा।
करके उसे नहीं पढ़ना बेहतर। मैं खतरा तक बताने के लिए तैयार हूं, पढ़ना है तो सही ही पढ़ना, और पढ़ना ही है। अगर पढ़ना नहीं आता, गलत पढ़ते हो, किसी उस्ताद के पास आपने कुरान नहीं पढ़ा, जुबान बदलकर अंग्रेजी तहरीर में कुरान पढ़ना चाहते हो, कन्नड़ तहरीर में कुरान पढ़ना चाहते हो, तमिल तहरीर में कुरान पढ़ना चाहते हो, तो इससे बेहतर है कि आप ना पढ़े, ना पढ़े। क्योंकि मतारिफ ये शान है अरबी की, और तजवीद ये शान है कुरान की। हमारे हजरत अमीर शरीयत मौलाना के भी उस्ताद है, दीगर उलमा के उस्ताद है, उस्तादुल असातिज़ा है, हजरत शाह हकीमुल मिल्लत अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मतारिफ तकरीबन हर जुबान में है, लेकिन तजवीद के कवाइद ये शान है कुरान है। उन्ना करने का कानून सिर्फ कुरान का है, इदराक करने का कानून सिर्फ कुरान का है, मद्दे मुत्तसिल ये शान है कुरान की। मद्दे मुत्तसिल आप समझते नहीं समझते, यहां मैं कोई समझौता करना नहीं चाहता, लेकिन कहकर जरूर जाऊंगा ये खास शान है कुरान की। कोई है जुबान इस जुबान ने उन्ना का हुक्म, कोई है किताब जिस किताब ने इख्फा का हुक्म हो, कोई है किताब जिस किताब ने इदगाम का अल्प का हुक्म हो, कोई है किताब जिसने मध्य मुत्तसिल हो मध्य मुन्फसिल हो। सवाल पैदा नहीं होता, कुरान अरबी और अरब की जुबान अरबी, मखारिज तो जरूर है लेकिन तजवीद शाम है कुरान। पढ़ो कुरान, पढ़ो प्यारो कुरान, पढ़ो कुरान, पढ़ो कुरान। हजरत मैं क्या कहूं, मैं पहले ही आपसे रिश्ता जोड़ रख चुका हूं, मुझे कहने की इजाजत दो। एहसास करती नहीं है कि हमको कुरान पढ़ना, दिल रो रहा है, प्यारो दिल रो रहा है, खासतौर पर नौजवानों, मेरे अकाबिल तुम्हारी इस भटकी हुई जवानी पर रो रहे हैं, तुम्हारी इस गाफिल जवानी पर रो रहे हैं, बेरहमी के शिकार जवानी पर हमारे अकाबिल रो रहे हैं, बेहिस जिंदगी पर तुम्हारी हमारे अकाबिर रो रहे हैं, रो रहे हैं। मैं बहुत सारी बातें काट रहा हूं क्योंकि आगे मुझे इसी सिलसिले से बात करना है, अशआर भी छोड़ रहा हूं, मकसद की तरफ आ रहा हूं। कुरान पढ़ो, बोलो इंशाल्लाह, और अपनी औलाद को कुरान पढ़ाओ इंशाल्लाह। ये मदरसे है नहीं, तुम्हारे बच्चों के पढ़ाने का निजाम नहीं मदरसे। अभी भी मदरसे के बारे में बाहर के लोगों का क्या कहना है अपनी जगह पर रखो, अंदर के लोगों के जुमले सुने तो दिल पास पास हो रहा है। लोग कहते हैं अब मदरसा की क्या जरूरत, भाई पूरे कुरान पढ़ लिए, सबके बच्चे कुरान पढ़ लिए, अब कोई नस्ल पैदा होने वाली नहीं है, या कहते हैं कि मदरसों की जरूरत नहीं। यही तो है आपके कहने का तर्जुमा, की काली जरूरत। ये जो मैं सुनता हूं तो खून मेरा खबलता है, खून मेरा खबलता है। हजरत मौलाना हुसैन मदनी साहब का मैं बताता हूं, एक मदरसे में उसका एक जुमला मैं नकल करता हूं।
और ऐसे ऐसे जुमले आने से पहले मौलाना का निजामती बयान करता रहा था, उसमें जब तीन जुमले सुना बात आ गई है, यही तो मदारिस है। ये ऐसी बात बताऊंगा मैं आपको, कुर्सियों में बैठे हुए मेरे बुजुर्गान दुआ सुन देना, सुनकर आपके जो गुजर बैठे हैं सब दुआ देना, ये उलमा इकराम पूरी तवज्जो के साथ सुने। एक ऐसी बात बताऊं मैं आपके जो पढ़े होंगे, आज आप पहले सुनते होंगे, ये उलमा पढ़े होंगे, आप इस्लाम सलामत है, रब काबा की कसम इसके पर आती है। और अल्लाह ताला कुरान की हिफाजत का काम भी लिया तो इन्हीं मदरसों से लिया। हिफाजत करता हूं मैं मेरा कुरान, मैं हिफाजत करता हूं बोलकर अल्लाह तबारक व तआला पहाड़ों से कह भैया हिफाजत का, मेरा कुरान मैं हिफाजत करता हूं बोलकर अल्लाह ताला समंदर से कह भैया, मेरा कुरान मैं हिफाजत करता हूं बोलकर अल्लाह तबारक व तआला आसमानों से कह नहीं लिया। समझ में आ रही है मेरी बात? करो समझ में आ रही है? सामने पहले सामने
इंतजाम भी हो गए, लेकिन जलसे का दस्तूर अमल किसी के पास नहीं। हजरत अपने हाथ में रखे, आप देखे होंगे जलसे में फिराक कोई और पढ़ता है, नाद कोई और पढ़ता है, नजामत कोई और करते हैं, बयान किसी और खास तरीका होता है, लेकिन उस जलसे में नजामत भी हजरत की थी, फिराक भी हजरत की, नाद भी हजरत की, बयान भी हजरत का। और जो क्लास कुर्सियां देनी स्टेज में, हजरत वहां उलमा को नहीं बुलाए, उस वक्त के पॉलिटिकल मैंस को बुलाए, बड़े बड़े ईसाई अंग्रेज एजुकेटर और उन लोगों को बुलाए जिनके बारे में हजरत को खबर थी कि ये लोग कुरान बदलने का काम करने वाले हैं। हजरत बुलाकर भी डालिए, और मौलाना उलमा जानते हैं हजरत की आवाज बड़ी खूबसूरत थी, वैसे तो उलमा की आवाज है खूबसूरत, खूबसूरत आवाज हमारी समझ है, सुन लो पीछे से पूछ लेते तुम्हें क्या काफी सो क्या काफी सो मैंने पूछे पूछी हजरत तुम इतना बयान करते ना माशाल्लाह बोलो रे बाबा माशाल्लाह तुम्हें क्या काफी हजरत ने मेरा डावर चमन पर आ किसी और काम के लिए आवाज इस्तेमाल होती तो कभी भी सो जाती, उसके दीन के लिए इस्तेमाल हो रही है तो फिर वही ही पसंद करेगा। और ये आवाज अल्लाह तबारक व तआला उसका कुरान पढ़ने के लिए दिया है तो फिर उसकी आवाज खूबसूरत नहीं तो किसकी रहेगी खूबसूरत। तनख्वाह अच्छी दी है तो एक साल तक हमें मौजूद सभा बनने का इरादा है, लेकिन ऐसी अजाद देते इंशाल्लाह ताला सुमा इंशाल्लाह मोदी जी भी खुश हो जाए भाई बहनों फूल काके हो रहा है कि नहीं हो रहा है अच्छी अजाद हो रही है ना पता बोला शाह पता नहीं कि आवाज बड़ी प्यारी थी। आज भी देखो आप गौर कर देखो अब सब बल्कि तकरीबन 99% मदरसे के तलबा की आवाज से लेकर उलमा तक की आवाज बड़ी खूबसूरत हो जाती है निस्बते कुरान और हदीस से। अब उसके साथ ऐसे मई का भी अगर आगे बोलो अभी मजा
जो सिर्फ जबर जेर का फर्क था, जैसे ही हजरत जबर जेर के फर्क की गलती के साथ कुरान की तिलावत कर रहे थे, सामने एक छोटा सा मासूम फौरन हजरत को लकमा दिया। लकमा का तो समझते ही वो नहीं जो दस्तरखान का है, दो चीजा बोले तो अपना का दिमाग ही काटी जाता, पीले जैसा बोलो वो समझ नहीं, ये सिर्फ पीला बोले तो दिमाग काटी जाता, लकमा बोले तो दिमाग काटी जाता। लकमा बोलते हमारे माहौल में कुरान पढ़ते पढ़ते अगर आप ऐसा भटक गए तो पीछे से जो बोल कर देते नहीं उसे हमारे बेटू में लकमा बोलते, यहाँ क्या बोलते हैं
एक जबर मेरा छोटी भी बच्चे ये खेलने को देते ही गलती काम में पड़ते कि नहीं कि उठा तो लंबा लेना बच्चा तुम्हें कुरान बदले तो इन तुमला छोड़ दही। मोदी जी बोले सका पकौड़ा बना लो तुम पकौड़ा बना लो तुम कुरान का मसला ही ऐसा है। खुदा कैसी हिफाजत कर रहे हैं कहता हूं आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला 10-12 मिनट भाई कहता हूं मेरे प्यारो कुरान की अल्लाह हिफाजत किए ये गिरी हुई है कहां कर रहे हैं हिफाजत अल्लाह ताला आसमान में मुझे भी आना है बाबा कभी नहीं जमीन हमें नहीं चांद में रखे इन पर हमको अल्लाह ताला हिफाजत के लिए अरे बोलो बाबा नहीं सूरत में रखेगी ऐसा सूरत में रखती है तो सूरत में रखते तो कलाम जल जाता है बेवकूफ ये अल्लाह का कलाम है जिस पर कुरान ये अल्लाह का कलाम है जिस पर आग हराम दो चीजें ऐसी हैं जिसको आग नहीं लगती एक अल्लाह का कलाम है एक मेरे हबीब का जिसमें मुबारक कमीने कमीने मेरी नबी की शक्ल बना को जलाते जगह शक्ल बनाओ पहले एक लॉजिक पेश कर रहा हूं मौलाना अदब के साथ उसकी शक्ल की तरह शक्ल बनाने वाला दूसरी शक्ल न बनाया तुम क्या काम बनाओगे पूरे मुल्क में है नहीं इस वक्त दर्द है नहीं है अरे है नहीं है हो गया हो गया भी नहीं बोलता वरना मेरे दोस्तों वाकियात में आता है कि एक ईसाई तकरीर में नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा था और उन लोगों के पास तो ईसाइयों के पास ज्यादा कुत्ते होते होते नहीं होते अरे होते नहीं होते पूरा अमेरिका कुत्तियों से भरा है पूरा ऑस्ट्रेलिया कुत्तियों से भरा है आज कल हमारे कुछ में भी शुरू हो गया कुत्ते लेने को सुबह ही वाकई को जाता सब में कुत्ता रहता है हमारे बेंगलुरु में लाकर मुझे को साथ में कुत्ता रहता तो भागता उन्हीं भी भागता कुत्ता ही भागता वो रस्सी नहीं रहती तो कुत्ता भाग जाता दौड़ते दौड़ते कुत्ता खून को लेकर इससे शुगर ही नहीं भागता मत के क्या इससे शुगर ही नहीं भागता इसी सेहत के वास्ते अल्लाह शुगर से हमारी हिफाजत किया है बीपी से हमारी हिफाजत किया है कुत्ता सूत रहा इधर हमारे लिए तो भाग रहा कुत्ते भी परेशान है इंसान से पालते नहीं पालते आपने देखा देखी चिल्ला भूखी मुसलमानों की पाल दौलत आई तो चुड़िया पालने को ही मच्छिया पालने को ही सबको पाल रही बच्चे पाल रही सबकी फिक्र हजरत वो किसी की बिल्ली है क्या को है मोटी दुबकी क्या नाम बोलते हो सर एक दिन बोलो बर्शियन बर्शियन ताकि ताकि तेरे को ढंग लगा दो वो बिल्ली कितने की 1000 रुपए का है उसका खाना 1500 रुपए का है तेरे शर्म तो करो क्या मोहो उन्हें पिशाब पाखाना करने की मिट्टी भी पैसों से लेको मर रही मैं ये नहीं कहता कि पाल लो पालना है पालो जितनी फिकर इस जमाने में परिंदों और जानवरों की करते 50% वो फिकर वो बेवकूल बच्चों के बारे में होते तो आज हमारे बच्चे हमारे लिए दाग न बनते सबकी फिकर हमको हमारे बच्चों की फिकर नहीं अल्लाह सलामत रखे इन उलमाए किराम को हमारे बच्चों की ये लोग फिकर कर रहे हैं इनके लिए मदरसों का इंतजाम कर रहे हैं इनको मालूम है इस कितना परवर दौर में जहां नजर पड़ी वहां कितना उजालों में कितना अंधेरों में कितना ऐसे दौर में इनके माँ बाप जैसे इनको छोड़ दिए अगर ऐसे ही हम भी छोड़ दे
तो प्रीति बच्चों में इस दौर में कोई अबू हनीफा नहीं पैदा होगा, इस दौर में कोई इमाम शाफी पैदा नहीं होगा, इस दौर में कोई कासिम नानोत्री पैदा नहीं होगा, इस दौर में कोई टीपू सुल्तान पैदा नहीं होगा। इल्जामात को सुनते हैं, ताने सुनते हैं, तस्कीन सुनते हैं और बहुत सारी बातों को सुनने के बावजूद ये अपने काम पर लगे रहे हैं। नहीं, हमारे बच्चे हमारे नहीं, अल्लाह की अमानत है, प्यारे आका की अमानत है, इस्लाम की अमानत है। इनको छोड़ा नहीं जाएगा, इनको पकड़ कर रखा जाएगा। एक तरफ स्कूली निजाम मैदान में है और दूसरी तरफ अगर मदरसे मैदान में ना हो मुकाबिल में, तो फिर मेरे दोस्तों आने वाली नस्लों का क्या हाल होगा। मैं चाहूं तो कह सकता हूं लेकिन मैं कहना नहीं चाहता, अच्छा नहीं लगता। बच्चों का फ्यूचर और उसके जुमले का बयान करो, क्या है स्कूलों का माहौल, क्या है कॉलेजों का माहौल, क्या है कॉलेज का माहौल, इसके मुकाबले में अगर मदारिस न हो, अल्लाह अकबर, क्या समझते हो मदारिस को। यही सवाल में जवाब कर रहा था, कुरान की हिफाजत का खुदा जिम्मा दिया, लेकिन हिफाजत कहाँ कर रहा है, आसमानों में कर रहा है, नहीं जमीन में छुपा कर कर रहा है, नहीं चांद में रखा है, नहीं सूरज में रखा है, नहीं नहीं नहीं। फिर अल्लाह ताला अपने कलाम की हिफाजत जो कर रहा है, कहाँ कर रहा है, इन्हीं मदारी से अरबिया में कुरान की हिफाजत का जबरदस्त काम हो रहा है। इन्हीं मदारी से अरबिया में क्या हो रहा है, कुरान की हिफाजत का जबरदस्त काम हो रहा है। प्यारो तवज्जो के साथ सुनो, आसमान से कितनी किताबें उतरी, माशाल्लाह, कितनी किताबें उतरी, चार, पक्का पक्का, ये डाउट है कि कितने किताबें उतरे, चार। नाम बोल सकते हैं क्या, क्या बोलो, तौरात, ज़बूर, इंजील। पहले तो बोला लगा मैं इतना घंटा बयान नहीं कर सकता, सब बात कर बात चला, जरा घड़ी को देखो, हर घड़ी आगे चलती है, नीचे ये घड़ी मेरी पत्नी दोस्त से घड़ी, मैं जिम्मेदार से इजाजत लेकर इसे लेकर मेरी मस्जिद चला जाऊंगा। मैं अब तक मुझसे 25 बताती थी, अब 5 बता रही है, 5 बता रही है, ये उलमा कह रहे क्या मालूम, नाजरा पढ़ा तो हिज
अलावा आलिम बनाना कितने काम? तीन काम। तू अगर कुरान से रिश्ता जोड़ ले, तेरे बच्चे को तू नाजरा पढ़ाकर इन तक भेजेगी, एक काम हल्का हो जाएगा, ये डायरेक्ट तेरे बच्चे हाफिज बना देंगे। वरना तारीख उठाकर देखे तो ये दौर में मेरी माए तुम नाजरा ही नहीं पढ़ाती थी, तेरे गोद में तेरे बच्चे को तू हाफिज भी बनाती थी। तू नाजरा ही नहीं पढ़ाती थी, तेरे गोद में तेरे बच्चे को तू हाफिज भी बनाती थी। आप क्या बनाती है मेरी आपा? तू तू कुछ नहीं बनाती, इसलिए कि तेरे हाथ में कुरान नहीं मोबाइल है। कुरान होता नाजरा पढ़ाती, तेरे हाथ में कुरान होता हाफिज बनाती। तेरे हाथ में अब कुरान नहीं है, तेरे हाथ में क्या है? क्या है? मोबाइल है, वो भी ओपन खाने की चीज को भूखू मोबाइल बनाया। अरे तो मोबाइल सैमसंग नाम अच्छा, वो अच्छा, एप्पल का भी नाम है, वो भी एप्पल सैमसंग अभी क्या कहते नाम हो रहे हैं कि ही मुझे मालूम नहीं, जितना मालूम उतना उनको माफ कर ले। ऑल राइट, तू ये चीजें रात करते अब वो मैंने 128 टीवी मुझे मालूम था, मैं दुकान में जाता पूछता अब जरा और भी आने की है तो हमें जरा किताबें डाउनलोड करके रखनी है, हमें कैपेसिटी जगह होना। मुझे ये दुकान में बैठे हैं, वहां एक जोड़ा आया, जोड़ा नवा नवा हो गया, तो समझे अली का क्या कहना है। शुरू एक महीने तक ये लड़ क्या आपकी मेहंदी कट भी नहीं गई है, उत्तर लगी शादी को मिल गई घूमा नसीहत बेटे किताबों का भी मुताला रखो, हालात का भी मुताला रखो। अब हालात का मतलब करते हुए नोट करना कि नहीं कर, तू ही जी भी राम का मोबाइल जो कि उनको क्या की पूछ रहे हो, तुम तो कम के पास भी हो गए, इतने मुद्दा किया नहीं लगा, हमें 128 पूछ रही, तुम मोबाइल पूछ रही, दुकान वाले को पूछा इतना कम का भी आता, ये हरी हरत ये तुम्हें पूछे सो जगह, इन्हों पूछे सो सर्विस पास, तू ही जी भी राम करते माँ के पेट में कई पढ़ के हाफिज बने,
वो भी साधारण करामत बाबा इनकार नहीं कर सकते, कुदरत का इंकार नहीं करना, मौजजात का इंकार नहीं करना, सच्चे पक्के सही औलिया की करामत का भी इंकार नहीं करना। मां के पेट में 10-10, 15-15 पारों के हाफिज बने, कब? जब इन माओ के हाथ में कुरान का मोबाइल नहीं था। तुम्हें छोड़ो आपा, इस दौर में भी मैं ऑफर देता हूं, तुम्हें मोबाइल को छोड़ो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी नस्लों का मुकद्दर सवर जाए। तुम्हें इन उलमा की मेहनतों को हल्का करो, ये और मेहनतों में इजाफा करेंगे, दूसरी मेहनतों में अपनी तवज्जो लगाएगी। और मुझे साफ कहने दो, कोलार के मुसलमानों, बात रिकॉर्ड हो रही है, मैं बिल्कुल खुले दिल से कह रहा हूं कि इन उलमा की सलाहियतें और आगे की है, क्योंकि छोटे काम भी इन्हीं को करना पड़ रहा है, इसलिए बड़े काम करने में इनको बड़ी रुकावटें। नाजरा बढ़ाकर भेजो, तजवीज सिखा कर भेजो, मखारिज सिखा कर भेजो, 2 साल के अंदर बच्चे को हाफिज बनाए, 2 साल के अंदर बात सही है। नाजरा भी हमें पढ़ाना, ताऊस भी हमें पढ़ाना, नूरानी फायदा तो पूरा और एक बार बोलो, कोरोना हालात खराब ही, नूरानी फायदा को पूरा नाम बोलो, यानी तो बोलो तुम लोग नूरानी बोलता लो, फायदा सुने तो ये धुप्पू हमको अलफायदा सुने आता, वो अलग मसला आया है। अखरी में एयरपोर्ट में 2 मौलवी शर्मा आपस में बात करते करते करे करते तुम्हारे मदरसे में कहां तक तालीम है, तुम्हारे मदरसे में कहां तक तालीम है, एयरपोर्ट में हम लगा चले गए तो तुम्हारा एयरपोर्ट हम ना देखता, तुम ना नहीं हम ना देखता। उसके असर में एयरपोर्ट में गया तो पूरे शरी माहौल में जाता हूँ, जागरूक कर जाता हूँ, गलत नीयत से नहीं, इस्लाम बताने के लिए जाता हूँ, तुम्हें क्या पहनते हमें पहनते सो तुम्हें देखो, हमें पहनते जो तुम एयरपोर्ट पर चले गए तो अपना पूरा एयरपोर्ट देखता कान फसम अल्लाह की, गलत नीयत नहीं देखते ही बुरा नहीं क्या पलटा को देखना हमें जायज होता। मसरूफियत के 2-3 मिनट के अंदर उस इलाके के लोग
उलमा को जब ये जिम्मेदारों को फोन कर दिया, और एयरपोर्ट पर बैठे थे, पुलिस खामा आकर पकड़ी है, पता नहीं जब ये हरकत में आई और एयरपोर्ट पहुंची, फिर मामला आगे पीछे हो रहा था, तो पुलिस होने लगी। अभी डाउट हुआ कि ये लोग अलकायदा के हैं, कैसे उनके गुफ्तगू अलकायदा के करते हैं, बाद में वो जमीन के जिम्मेदार बोले आप लोग क्यों ये गुफ्तगू यहाँ करें, यहाँ तो यहाँ कहीं भी नहीं कर रहा, तो फिर ये दो ग्राउंड अब अलकायदे के नहीं नूरा नहीं कर रहे अलकायदा के पिटे नहीं करते नूरा नहीं कर रहे थे आना बहुत कच्चे ही इन लोगों के काना बहुत कच्चे हैं ठंडा पानी भी उनको पीना है। इसलिए जो भी काम करो पूरे होश के साथ करो, जज्बात में आकर मत करो, अल्लाह के अलावा नबी के अलावा भी जमीन के ऊपर आसमान के नीचे हमारा कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। दावे मिलेंगे दर्द मिलेगा, हकीकत नहीं मिलेगी। बड़े लोगों के मशवरों पर काम करो नौजवानों, क्योंकि तुम्हारी उम्र उतनी नहीं जितना बड़ों का तजुर्बा है। कुछ बातें मैंने सुना बेंगलोर के अंदर भी और यहां भी उधर भी, ये जो माहौल मिलने का चल रहा है उसमें कुछ मुसलमान हमारे नौजवान जज्बात का इजहार करना चाहते हैं। अल्लाह का वास्ता देता हूं कि उलमाए किराम और जिम्मेदार इनके मशवरों पर चलो, इंशाल्लाह ताला हर काम तकमील तक पहुंचेगा। तुम्हारे जज्बात की जरूरत तो है लेकिन बर वक्त जरूरत है, बे वक्त जरूरत नहीं है। हिम्मत करना छोटा हमें काम करने के लिए मैदान में उतरे तो हमारी जगह तो नहीं समझ सकते, करते भी नहीं, करने के वास्ते हमें हिम्मत रखे हिस्सों, अल्लाह ताला से दुआ भी करते अल्लाह टीकू का काम मेरे नौजवान से ले, दुआ करता हूँ पागलों की दुआ आप सुने होंगे, मौलाना की दुआ सुने होंगे, अल्लाह सलाहुद्दीन का काम ले ले नौजवानों से, मोहम्मद बिन कासिम का काम ले ले नौजवानों से, बाबर रहमतुल्लाह अलैह का काम ले ले नौजवानों से, और इतने आलमगीर का काम ले ले नौजवानों से, बहादुर शाह जफर का काम ले ले नौजवान। हमें दुआ करते तुम्हारे लिए, काम तुमने करना है लेकिन मशवरों के साथ होश के साथ करना, बड़े मशवरों के नहीं करना, क्योंकि कितना ही अच्छा काम क्यों ना हो उसमें अगर मशवरा ना हो अल्लाह ताला उस काम से खैर को खत्म कर देते हैं, उस काम से क्या खत्म कर देते हैं, खैर को खत्म कर देते हैं। मशवरों के साथ काम करो, मशवरों के साथ काम करो। मुझे उम्मीद है मेरा इशारा आप हजरात समझते होंगे, समझ में आई बात है, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं तो वहां आप जैसे आशिकीन कुछ बाहर के अंदर बैठकर सुनने के लिए आ जाते हैं, इसलिए मैं बड़ी एहतियात के साथ अपनी बात को आपके सामने रखता हूं। पूरे मशवरे के साथ काम करो, जज्बात में आने की जरूरत नहीं। बात कहां से गई, पढ़ाओ अपने बच्चों को कुरान पाक, चार किताबें नाज़िल हुई, दो मिनट में बात कर रहा हूं, तौरात ज़बूर इंजील हकीकतें और भी हैं, कभी आपके सामने उलमा बयान करेंगे, लेकिन तौरात खाई न रही, ज़बूर खाई न रही, इंजील सलामत न रही। उसकी वजह क्या, पाई सुनो और से, उसकी वजह क्या, एक अल्लाह वादा नहीं करे, एक वजह, दूसरी वजह क्या, वो अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम नहीं है, समझ में आई। लेकिन कुरान क्या है, कुरान के बारे में अल्लाह ने वादा भी किया, अच्छा कुरान अल्लाह की किताब नहीं, अल्लाह का कलाम, वो खरज मिनहू अल्लाह की जात से निकला, मेरी तकरीर जैसे मेरे अंदर से निकल रही है, पूरा कुरान अल्लाह की जात से निकला है, ये तो अकीदा हमारा है, और अल्लाह ने वादा किया इसकी हम हिफाजत करेंगे। अभी मैंने अर्ज किया था कहीं रखकर हिफाजत नहीं की, इसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने दो इंतजाम किए, कितने इंतजाम, दो इंतजाम किए, याद रखेंगे बात,
और आपकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने कितने इंतजाम किए? दो इंतजाम किए। एक इसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ने हुजूर की उम्मत में ऐसे अफराद को पैदा किया जो अफराद अल्लाह के इस कलाम को अपने जेब में नहीं सीने में रखेंगे। इंतजामों में से एक इंतजाम अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत के लिए तफसीर की बात अर्ज कर रहा हूं। दो इंतजामों में से अल्लाह ताला ने एक इंतजाम अफराद की शक्ल में किया, दूसरा इंतजाम तारीख में तौरात का एक मदरसा नहीं मिलेगा, इंजील का एक मदरसा नहीं मिलेगा, ज़बूर का एक मदरसा नहीं मिलेगा, लेकिन कुरान पाक के नाजिल होते ही अल्लाह तबारक व तआला दूसरी तरफ मदारिस का निजाम भी शुरू कर दिया। मक्के से मदरसों का सिलसिला शुरू होकर अल्हम्दुलिल्लाह कोलार तक पहुंचा है। लोग कहते हैं कि पहला मदरसा सुफा जो मस्जिद नबवी का चबूतरा है, हकीकत में सुफा इस्लाम का पहला मदरसा नहीं, दारे अरखम इस्लाम का पहला मदरसा है। कुरान उतरना जब से शुरू हुआ, कुरान पढ़ाने का निजाम भी उसी वक्त से शुरू हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है प्यारे, कुरान 13 साल में उतर पा रहा और 13 साल के बाद मदीने में पढ़ाने का मरकज नहीं हुआ, नहीं उतर रहा था एक तरफ, तालीम का निजाम हो रहा था दूसरी तरफ। ये दो चीजें हैं ना, अफराद और मदारिस। किसी किताब के लिए अल्लाह ने ये इंतजाम नहीं किया। क्यों नहीं किया? जिन किताबों को अल्लाह ताला सलामत रखना ही नहीं चाहते थे तो उन किताबों की हिफाजत के असबाब कैसे पैदा करें? असबाब भी पैदा नहीं किया, किताबें भी सलामत नहीं रही। लेकिन कुरान पाक की हिफाजत का वादा अल्लाह ताला किया कि अल्लाह की मशीयत में, अल्लाह के इरादे में कुरान की हिफाजत था, तो अल्लाह ताला ने अफराद को भी एक तरफ पैदा किया तो दूसरी तरफ मदारिस का जबरदस्त निजाम इस उम्मत में अता किया है। इन्हीं मदरसों में से एक मदरसा जिसके माते आज का हमारा जलसा मुनक्किद हुआ है, क्या नाम कुरान, इसके मातहत जलसा है। मदरसों की खिदमत कैसे करें? एक पहली खिदमत मदरसों की क्या है मालूम? अपने बच्चे मदरसों को भेजें, ये पहली खिदमत है। अब दिन ब दिन मदरसों से बच्चे कम होते होते जा रहे हैं, ऐसा हरगिज मत करो, हरगिज मत करो। मदरसों में तलबा का कम होना इमामत के लिए खतरा, खिताबत के लिए खतरा। आप मदरसे में बच्चों को ना पढ़ाएंगे तो फिर आने वाले दौर में हमारे बच्चों को इमाम कहां से मिलेगा, खतीब कहां से मिलेगा, काजी कहां से मिलेगा, मसाइल का जवाब कौन देगा? पहले बच्चे जो मदरसों क्या देना, अरे बोल रही थी कोई जल्दी नहीं का अच्छे, अब बोलना पड़ रहा है। पहले जमाने में बोले बगैर जमने वाले इरादा कर लेते, छह सात रहते ये बच्चा तो मदरसे में पढ़ा हो सच बोल, हमारे बड़े बेटे ने पूछ। अब इस जमाने में क्या जब तक तो देता था, उसके वास्ते दो की बातें सामने रखकर बोलते हो, दो पर मैं मुत्तफिक नहीं क्योंकि बोलता हूं तुम्हें ये काम रखा, ये कीच एक बड़ा दबाव, क्या दुआ देना कि नहीं देता हूं, क्या दवा देना क्यों, ये एक बार बस इधर दो के बजाय क्या करो तीन, तो तुम्हारी मर्जी के एक मदद से पढ़ाए तो तीन को भी पढ़ा दे लो, मैं हमारे बाबा को एक पान भाना चाहते तो पढ़े भी डॉक्टर की लायर की इंजीनियर की काम में भी काटी जा सकते थे कि नहीं जा सकते थे,
नहीं बच्चे को पढ़ाना मदरसे में पढ़ाना बोलकर साफ बोलते के बेटे हाफिज में तुम ना मेरे वास्ते बताया सो एक बच्चा कोरा में कितने मुसलमान की घरानी एक हिसाब दे नहीं मालूम 25 घरा घरा 25,000 अच्छा माशा सही हिसाब बोलते तो आइंदा इलेक्शन में नहीं हार जाता खड़ो की नको खड़ो की पीएम तो हूं मैं मैं कहां गया तो भी मेरे पीएम के पीछे खड़े हुए थे छुट्टी पीएम का तो क्या पीएम का तो क्या पीएम का तो क्या वही मतलब है मेरे मिनिस्टर पूरे दिल्ली का मैंने क्यों कहा 25,000 करा ही नहीं करो भी 5,000 भी ढक लो नहीं की नहीं की अल्लाह हु आलम बड़े हजरत जानते हैं कितने घर होंगे पांच ढक ले तो 30 घरों से एक एक बच्चा मदरसे के लिए आ जाए तो बोला ने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की तादाद कितनी होगी मैं पूछता भी नहीं बोलूंगी मत लेकिन पूछता तो आप क्या जवाब देते कि इस वक्त कर्जत कोलार से हमारे कितने बच्चे हाफिज और आलिम बनने के लिए बाहर गए मेरे जहन में अभी 2-3 घंटे का मन है कसम अल्लाह के खाने पीने में छोड़ दिया घर को छोटा हूँ बुजुर्गों की जूतियों का दूर हूँ छोड़ दिया हूँ मेरे घर के खुशी और गम खानदान के खुशी और गम में भी मुझे शिरकत करने का खुदा की कसम ज्यादा नहीं है कसम से आगे के अगर बढ़ना चाहते हैं तो मैं आगे अल्लाह को गवाह के बना कर पेश कर सकता हूँ अल्लाह ताला मेरी जुबान से कुछ लोगों को समझने का मौका दिया है तो मैं उतर गया मैं क्या दूंगी तर्क पेश कर रहा हूँ 20,000 घर एक घर से एक बच्चा तेरा काम क्या होगा मरेंगे ना हम लोग पता चलेगा कि उस बच्चे के माँ बाप की शान क्या होगी हसर के मैदान में जिसका बच्चा मदरसे में पढ़ता था 7 साल की जिंदगी के लिए अरबों अरबों साल की जिंदगी बर्बाद करते हैं वो दुनिया का वक्त है आखिरत का वक्त नहीं है कितने साल होंगे दुनिया में 60, 65, 70 वो भी मुश्किल 70 जी लिया तो अम्मा जी भर तो जी गया वो तो पूरे खानदान वाले कब जाएगा इंतजार करने बच्चे 70 जीता लेते खानदान तो खानदान खुद के बच्चे इंतजार करते सबके बाबा या मरते मेरा बाबा भी मरते ठीक है तो प्रॉपर्टी कंट्रोल में आना पड़ेगा 7 साल की जिंदगी के वास्ते अरबों 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 खरबों 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 की जिंदगी बर्बाद इरादा कर लो इंशाअल्लाह अरे मैं और ना मेरे जरूरत साथ दिए तो मर्दों के इरादे मुकम्मल हो जाते अल्लाह को देखता समझे नहीं कैसे मैं मेरा समझा दूं पहला काम मदरसों का क्या दूसरा काम तुझे करने की जरूरत नहीं कर डाले तो अच्छा वो है पैसा क्योंकि अक्सर बच्चे मदरसे में जाकर पढ़ते ना वो फीस देकर पढ़ते थे कई को देकर पढ़ते नहीं बोले तो गरीब को कर नहीं बोला ना पॉइंट नो मदरसों की फीस अदा करने की ताकत किसी के पास नहीं है एक बच्चे पर महाना इस महंगाई के दौर में 3,500-4,000 रुपये खर्चा होता है होता नहीं होता अगर हमें समझते फ्री तालीम फर्क क्या मानो
स्कूलों की तालीम जब देते हैं बच्चों को तो फीस माँ बाप देते हैं, मदरसों के बच्चों की फीस पूरी फॉर्म लेकर देती है पर उसका, लेकिन कम फीस नहीं है इनकी, कम फीस नहीं है। महाना 30-35 हजार रुपए बच्चे पर खर्चा बोले तो उसी बच्चे का सालाना खर्च कितना होता बोलो, तकरीबन 50,000 रुपए होता है। कितने हजार रुपए? भाई अल्लाह पैसा चलाते समझ में नहीं आता, हमने कई वजह से चलाता हूँ, हमने कितने समझ में नहीं आया इतना बड़ा निजाम कैसे चलता होगा, हमारे वजह से सब छोटे 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 50-100-150 बच्चे पढ़ने वाले बच्चे अंदर हिसाब लिए तब भी चल रही 2000 से ज्यादा देना नहीं बोलो, खान मना है छपी कर रही चलेगी चलेगी, इन लोगों की नजर इधर उधर जाती ऊपर नहीं जाती, एक बात आ रहा है भूकू इधर उधर से पैसे नहीं आते डायरेक्ट ऊपर से आते, रोक ना रहे रोक ना रहे रोक सकता उन्हें देना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता, उन्हें रोक दे तो कोई उसके पास से दिला नहीं सकता। छोटा लतीफा बोलू, दीवानियों के अस्पताल नहीं होते, कोसी दीवानियों के अस्पताल नहीं होते यूपी में, बोले आदर लखनऊ में मैं बोल रखा हूँ कुछ लमा इकराम को सूरत आउट कर तो ओपन बोल रहा था, मैं क्या अभी फिगर ना करो दुआएं आपस पढ़ लेना तो बैठा हूँ ओपन दीवाने के अस्पताल नहीं होते, दीवाने शरारत कर रहे रहूं को डॉक्टर गया, किसे गया रहूं को डॉक्टर गया जाते भी नहीं की जगह तो दीवाने शरारत कर रहे एक दीवाना पलटा कर जो देंगे नहीं उसी का नाम है जन्नत,
किसी का नाम क्या है? जन्नत। अपने अपने हलवे और इरादे और गांव के मकातिब और मदारिस की ऐसी खिदमत करो कि वो माली एतबार से हरगिज परेशान ना हो। अच्छा, माली एतबार से हरगिज परेशान। कोलार के अंदर पांच मदरसे नहीं है, पांच छह मदरसे नहीं, 20,000 ग्राम क्या ही ढाई सिगड़ा हजार का हजार, एक घर में कम से कम दो तो नहीं, अरे बोलो भाई दो नहीं, 40,000 दुनिया माशाल्लाह, 40,000 दुनिया, उसमें से तुम्हें 30,000 निकालो, 10,000 दुनिया, 10,000 दुनिया रोजाना 10 रुपये ले दो, कितना हुआ पर डे 1,00,000 रुपये? मैं हिसाब का स्पेशलिस्ट, मजाक नहीं करूं, तो बड़ी जबरदस्त हिसाब की बहुत गहरी किताबें होती है मदारिस में, ये मीरास की और ये औकातुस सलात की। अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब तो मैं तकरीबन 15 साल पढ़ाया और एक किताब मैं औकातुस सलात की 8 साल पढ़ाया, इसके वास्ते हिसाब करना मुझे आसान है, क्योंकि पैसों का हिसाब तो और भी आसान पैसे का तो मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। समझ आई बात? 10,000 रुपये रोजाना 10 रुपये डाले, खाली 20 दिन डालो 20,00,000 रुपये, हमारे 10 रुपये बनते कितना? 20,00,000 रुपये। बाहर निकलो, पहले अपने घर की फिक्र करो। हमारे कोलार के मदरसे क्या जबरदस्त चलेंगे, पर डे पर मंथ 20,00,000 रुपए मदरसों को तकसीम हुए तो क्या हजरत, हाँ हजरत आगी तनखा सुने तो मोदी भी इस्तेमाल है कोई हाँ जगह। अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, खतरा खतरा दरिया बनता प्यारो, खतरा खतरा दरिया बन, 10 रुपए कोई बड़ी बात कह रहा हो, बोला मैं 10 रुपए को सुनती को बच्चा लेता भाग कर आ गया, वो 50 रुपए जो कहता उन्हें मूर्ता कह रहा मुझे अम्मा नहीं समझ गए तो बताओ नहीं ये 10 रुपए जैसे बताओ उन्हें कि हाँ बाबा के पेट में पैदा हुआ 10 रुपए दिए रस्ते में वही मिलता अल्लाह के नाम में जो भी 5 रुपए उठा दो उन्हें बोलता भाई 5 रुपए दे दू 10 रुपए की जूता एक इससे खा ले 10 रुपए की कोई औकात नहीं है, फिर भी मैं हिसाब बता रहा हूँ कितना 10 रुपए, हमारे 10 रुपए को 10 रुपए मत समझो, मेरे हिसाब के 20,00,000 रुपए समझो, क्या अगर सही बात है, 10 रुपए को 10 रुपए मत समझो, बल्कि इस आदिश के हिसाब पर हमारे 10 रुपए बनते कितना 20,00,000 रुपए। जब भी कोई तश्कील होगी ना हजरत, औरता समझ जाते हैं ये उम्मान हमारा नहीं, बोल दो अबा अबा तू दी तो गर्दन को देने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है तो तेरे पास ब्लैक तो नहीं होता है तेरे पास काला धन बहुत है, जाहिर से जाहिर से जाहिर से मैं हसाने के लिए काला धन बोले क्या बोलो, सुबह सुबह नौशों के जेब से 50,000 को उठा लेते नहीं नहीं उठाते बोला मैं हमारे भाड़ा नहीं उठाते नहीं उठाते नहीं उठाते उनको गारंटी दे दो बेंगलुरु के पूरे रिश्ते यहाँ तक आते हैं देखा उठा दी तब तेरा अब्बा मुझे शादी हो तो तीसरे दिन नसीहत करे बड़े बड़े पैसे रखो सोन रखो जेब में रखी चीज रख के रखो सुबह सुबह को उठे तो अब तक सुचाप नहीं हो देते आज के बाद सुचाप होंगे तुम्हें डाउट करो उनको घर में जिन्ना का ही जिन्ना का ही ये औरतों की आदत है जो हुजूर के जमाने में भी थी औरतों की आदत है कुछ आदतें औरतों की खत्म नहीं कर सकते तो हमारे जेब से पैसे उठ जाते हो समझ में आई बात है जेब को हाथ न भाई हाथ कतर ला दो क्या तू गिरो का बोल रहा ते तू क्या कर तू जिसका मैं तो तेरा जेब उसका भी खाली 10 रुपए आप मदरसे का QR कोड रख ले वो भी कहां रखना मालूम बेडरूम के दरवाजे में लगा दो उठते की नहीं की बीवी बच्चों का सबका 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 निकाल दो सदमे में बरकत है
लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी बातें सबके अंदर दाखिल किया है। उठते भी नहीं कि QR कोड देता, इसके दो फायदे, एक मोबाइल भी खुल जाता दूसरा QR कोड भी आ जाता, ये वो तो फेस का कोड होता ना। दस रुपये अल्लाह आपका सबका, मेरे शोहर का, मेरे बच्चे का, मेरे घर का खत्म इंशाल्लाह। कितना पता होगा, करेंगे अमल रोजाना बिला नामा। इतना महिमा बैठा है, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ खुदा की कसम उन्हीं के साथ कहता हूँ, रोजाना सदका उतारो। बड़े बड़े आफात के दुनिया में हम हालात बड़े खराब है, सदका उतारो। कभी इंशाअल्लाह ताला मैं खुद अपनी तरफ निस्बत करते हुए अर्ज करूं कि इसके बाद कभी आया तो मैं सदका पर बात करूंगा। दुश्मनों का दिफा अल्लाह ताला कई चीजों में से ये जिस सदके के अंदर रखा है। इरादा करो आप रोजाना कम से कम 10 रुपए कोट कोट मदरसे के लिए निकालेंगे आप। अल्लाह ताला पूरी पूरी मदद फरमाए। अभी जाकर देख कर आया मैं मस्जिद के बिल्कुल बाजू, जगह भी बिल्कुल मुनासिब, हमारा अपना इलाका और माहौल है, कसरत से मुसलमान है, जगह पर जगह हमारे बच्चे नजर आ रहे हैं। इन बच्चों को दुनिया की तालीम तो है जरूरी, उससे कई दर्जे ज्यादा दीन की तालीम की सख्त जरूरत है, और वो चीज इन्हीं मदारिस से मिलेगी। रास्ते में भी सुनता हुआ आया, बड़ी हिम्मत करके जिम्मेदारों ने अल्हम्दुलिल्लाह कोलार जैसे शहर में एक जगह खरीदे हैं, सिर्फ 10 या 15 लाख रुपए की, बहुत मुख्तसर कीमत बाकी है। 10-15 लाख रुपए को मिले, चाह पीने के अस्त्र चलना मदर से 10 रुपए 20 रुपए पर 10 रुपए वो तो भी मिसाल हो जाए तो तुम्हें पकड़ लो खड़ो को पूछ लो 50 तक लेकर जाओ, 100 तक लेकर जाओ, 500 तक लेकर जाओ, 1000 तक लेकर जाओ, 2000 तक 2000 की नोट तो नहीं है, हमारा देना कम रहेगा, बदले में खुदा की अता बहुत ज्यादा है। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Thank you.